नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह और बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। सभी ग्रह दोषों से मुक्ति दिलाने वाली महाशिवरात्रि का पावन पर्व 21 फरवरी शुक्रवार को है। समस्त ब्रह्मांड, तारा मंडल, ग्रह मंडल आदि परमेश्वर श्री शिव के द्वारा निर्मित और उन्हीं के अधीन है। इन्हीं के संकेत मात्र से प्राणियों के जीवन में ग्रह अपना गोचर शुभाशुभ प्रभाव दिखाते हुए फल देते हैं। वर्तमान साल 2020 में आपकी राशि के ग्रह गोचर जिसमें शनि देव की साढ़े साथी, इनकी ढैया, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, मार्केश ग्रह की दशा और अशुभ योग कारक ग्रह की दशा के साथ साथ अन्य ग्रहों के अशुभ गोचर के क्रूर प्रभाव से बचने के लिए अपनी राशि के अनुसार किन किन पदार्थों से श्री शिव का अभिषेक करना शुभ रहेगा, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। मेष राशि के जातकों को अनार के रस, गन्ने के रस एवं शहद श्री शिव का रुद्राभिषेक करना अति शुभ रहेगा। वृषभ राशि के जातकों को दूध, गुलाब जल, सुगंधित पदार्थ, शहद एवं पंचामृत से श्री शिव का अभिषेक करना अति शुभ रहेगा। मिथुन राशि के जातकों को गाय के घी, पंचामृत, गन्ने के रस अथवा दूध से अभिषेक करना शुभ रहेगा। कर्क राशि के जातकों को दूध, दही, गुलाब जल एवं सुगंधित तेल से अभिषेक करना अति शुभ रहेगा। सिंह राशि के जातकों को तीर्थों के जल, दूध में मिश्री मिलाकर शहद एवं पंचामृत के द्वारा श्री शिव का अभिषेक करने से समस्त बाधाओं से मुक्ति और कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। कन्या राशि के जातकों को दूध, गन्ने के रस, शहद एवं सुगंधित पदार्थों के द्वारा श्री रुद्राभिषेक करना अति लाभदायक रहेगा। तुला राशि के जातकों को सुगंधित पदार्थों, शहद, घी, दूध अथवा पंचामृत से श्री शिव का अभिषेक करना श्रेयस्कर रहेगा। वृश्चिक राशि के जातकों को शिव पर भांग, धतूर, बेलपत्र अधिक से अधिक अर्पित करते हुए दूध, अनार, संतरे का रस एवं सुगंधित पदार्थों से श्री शिव का रुद्राभिषेक करने से कामयाबियों में और वृद्धि होगी। धनु राशि के जातकों को दूध, शहद, गुलाब जल अथवा अनार के रस से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। मकर राशि के जातकों को तिल के तेल, सुगंधित तेल, इत्र आदि का लेपन करते हुए दूध से श्री शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। कुंभ राशि के जातकों को दूध, तिल के तेल, गाय के घी, शहद एवं गुलाब जल से श्री शिव का अभिषेक करना अति शुभ रहेगा। मीन राशि के जातकों को संतरे के रस, अनार, गन्ने के रस के साथ साथ दूध से रुद्राभिषेक करवाना अत्यंत लाभदायी रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।